पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में दूसरी गेंद पर जीरो रन पर ही आउट हो गए। लोगों ने सोचा कि बच्चा है 16 साल का, अभी तो नया है खेल में, लेकिन किसको पता था कि ये इंसान जिद्दी इंसान है। और इसी जिद्दी इंसान को बाद में क्रिकेट का भगवान माना गया और सेंचुरी की हाफ सेंचुरी और हाफ सेंचुरी की सेंचुरी भी लग जाती अगर ये खिलाड़ी 8-10 मैच और खेल लेता तो। जीरो से जिद्दी बन गए, जिद्दीपन ने हीरो बना दिया, जिद ने जीरो और हीरो के बीच में एक पुलिया बना दी, दुनिया के कई रिकॉर्ड तोड़ डाले इन्होंने। एक सामान्य कद के खिलाड़ी किसी खेल के भगवान कैसे बन गए, अब क्या कहे इनके बारे में। बच्चा बच्चा जानता है, बड़ा बुजुर्ग जानता है। उनकी जिद ने उनको 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल टीम में जगह देकर मैदान में उतार दिया। एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आज, तुम अपनी लाइफ में कितना बड़ा पाना चाहते हो? अब वो चाहे सफलता हो, पैसे हो या फिर नाम हो, सोच के बताओ। अल्बर्ट आइंस्टीन जितना बड़ा, जिनका नाम अभी तक किताबों में चलता आ रहा है, और जब तक इस पृथ्वी पर जीवन रहेगा और जब तक विज्ञान है ना, तब तक अल्बर्ट आइंस्टीन की छाप कोई विज्ञान की किताब से नहीं हटा सकता। अरे पृथ्वी भी रहे या ना रहे, लेकिन उनके साइंस के फॉर्मूले तो हमेशा ही सच रहेंगे। ऐसा कैसे हुआ? स्कूल में मंदबुद्धि कहा जाने वाला विद्यार्थी इतना बड़ा इंसान कैसे हो सकता है? क्योंकि उनमें जिद थी कि मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा, अपने हिसाब से खोजूंगा, जिद थी कि बस करता रहूंगा। बनना चाहते हो इतना बड़ा? वापस आते हैं अपने कंट्री में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। रतन टाटा जी ने एक कार लॉन्च की इंडिया में, नहीं चली, घाटा होने लगा। जब ज्यादा घाटा होने का अंदेशा हुआ तो अपना कार व्यापार बेचने चले गए किसी और कंपनी के पास, ताकि और लॉस ना हो। वहां मीटिंग करी, मीटिंग में जवाब मिला कि जब आपको कार व्यवसाय के बारे में जानकारी नहीं है तो क्यों करते हो कार व्यापार। डील वहीं पर छोड़ दी। वापस आते टाइम रास्ते में सोचते रहे कि बहुत हो गई बेइज्जती, अब मैं दिखाता हूं कि टाटा क्या चीज है। मेहनत करी, तगड़ा बिजनेस मॉडल बनाया और गजब की कार इंडस्ट्री खड़ी कर दी। 10 साल बाद वही कंपनी जिसकी मीटिंग में उनकी इंसल्ट हुई थी, उस कंपनी में भी तगड़ा लॉस हुआ। रतन टाटा जी ने उनको ऑफर दिया कि बेचना चाहते हो अब कंपनी, बेचना चाहते हो बताओ, मैं खरीद लूंगा। और वो कंपनी उन्होंने अपने नाम कर ली। ये होती है जिद, कि ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। क्या था इन सब लोगों में कॉमन? एक जिद कि नहीं रुकूंगा, करता रहूंगा, खुद को बेहतर से बेहतर बनाऊंगा। उनमें जिद थी कि वही बनूंगा जो मैं बनना चाहता हूं, चाहे कितनी भी रुकावटें आए। जिद है तो है, बनना चाहते हो उनके जैसा, मन किया ना बनने का, लेकिन ये जो लेकिन वर्ड है ना, वही तुम्हारी वाट लगा देता है। मैं कुछ करूं तो सही, लेकिन मैं बड़ा बनूं तो सही, लेकिन मैं मेहनत करना तो चाहता हूं, लेकिन मेरा सपना तो ये है, लेकिन कोई थाली में परोस के देगा क्या कि ये खा लो आज से तुम सचिन हो जाओगे, ये खा लो आज से तुम दुनिया में आइंस्टीन के नाम से जाने जाओगे, ये जड़ी बूटी खा लो आज से तुम अरबपति बिजनेसमैन बन जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि जब तक इस लेकिन वर्ड की तुम वाट नहीं लगाओगे ना, जब तक इसको जीत में नहीं बदलोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन पहले ये बताओ कि क्या खास था इन लोगों में? सोचो, क्या उन्होंने अवतार लिया था? क्या वो प्रकट हुए थे? क्या खास था इन लोगों में जब वो दुनिया में आए थे? वही हाथ पैर, वही आंखें, नाक कान मुंह पेट गला सब कुछ वही ना। उनके शरीर में भी इंसान का ही खून था ना, वही मिट्टी का शरीर था ना। क्या ये सोने चांदी के बने थे? क्या ऊपर वाले ने इनके कान में कोई गुप्त मंत्र फूके भेजा था कि जाओ तुम सचिन बनोगे, जाओ तुम रतन टाटा बनोगे, जाओ तुम आइंस्टीन बनोगे? चलो एक और एग्जांपल देता हूं। जब तुम्हें एक दिन के लिए कोई रूम में अकेले बंद कर दे तब तुम क्या करोगे? जब तुम्हें एक हफ्ते के लिए रूम में बंद कर दे तब तुम क्या करोगे? और टाइम पीरियड बढ़ाऊं, जब तुम्हें एक महीने के लिए रूम में अलग थलग बंद कर दे तब तुम क्या करोगे? नहीं, अभी भी नहीं हुआ। अगर तुम्हें एक साल के लिए किसी काल कोठरी में बंद कर दिया जाए तब तुम क्या करोगे? जान निकल जाएगी ना। अब मैं तुम्हें एकदम से कहूं कि नहीं यार, तुम्हें तो 27 साल तक जेल में रहना है, तो तुम तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दोगे ना, क्योंकि बाहर आओगे तब तक शरीर कमजोर पड़ जाएगा, आंखें धुंधली हो जाएगी, तुम्हारे कई बुजुर्ग रिश्तेदार परलोक सिधार जाएंगे, शायद तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी तहस नहस हो जाएगी। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि एक इंसान को 27 साल जेल में रहना पड़ेगा, और जब वो महान हिम्मत वाले इंसान जेल से बाहर आएंगे तो उनके आने के 5 साल के अंदर ही साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बना दिए जाएंगे? क्या बोलोगे इनको? कोई शब्द नहीं है इनकी जिद के आगे। अब यही सोचोगे ना कि उनका तो कोई जुगाड़ होगा, अरे यार जुगाड़ होता तो वो जेल में ही क्यों जाते? ये सोचोगे ना कि उनको जेल में कोई अच्छा खाना पीना मिल रहा होगा जिससे वो स्वस्थ रहे होंगे, अरे यार क्या मिलता होगा उनको जेल में? पूरी दुनिया ने एक जिद वाले कैदी इंसान को किसी देश का चहेता राष्ट्रपति बनते देखा। भारत से भी भारत रत्न अवार्ड जीत करके ले गए वो, करोड़ों दिल जीत के ले गए वो। अब बोलोगे कि ऐसा तो कोई ना कोई होता ही है यार करोड़ों में। हाँ ये बात सही है, क्योंकि करोड़ों में एक ही वो इंसान होता है जिसके पास इतनी जिद होती है। वो इंसान बार बार गिरता है, बार बार उठता है गिरता है, उठता है लेकिन फिर गिर जाता है, लेकिन उठना नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जिद्दी होता है। जिद, सिर्फ एक जिद होती है उनमें, बाकी सब सेम होता है। वो हम सब जैसा ही पैदा होता है, लेकिन जब दुनिया से जाता है ना तो दुनिया का बच्चा बच्चा उनको मिस करता है। हर न्यूज चैनल, हर अखबार उनके जाने का गम करता है कि हमने एक महान इंसान को खो दिया। अब शायद कोई ऐसा नहीं कर पाएगा,
जाएगा, क्योंकि वो मानव से महामानव बन जाता है, क्योंकि वो मेहनत करने की हदें पार कर जाता है, काम करते रहने की जिदें पार कर देता है। वो एडिसन की तरह बल्ब बनाने के लिए हजारों बार फेल हो जाता है, लेकिन फिर भी जिद करता है कि रुकना मेरा काम नहीं, जब तक यमराज ना आ जाए तब तक आराम नहीं, यमराज भी आएंगे तो बोलूंगा कि सर थोड़ी सी मेहनत और कर लेने दो प्लीज। जिद मत छोड़ना मेहनत करने की, हद पार कर जाना जिद करने की, तभी बनोगे महान, तभी रखेगी दुनिया तुम्हें जाने के बाद याद। लेकिन इस लेकिन वर्ड को ना तुम डस्टबिन में फेंक देना, अपने आप से जंग के लिए माथा टेक देना, जिद में खुद को झोंक देना, अपने आलस को ठोक देना।